भले से आप 10-20 साल मेहनत करो, अपनी पूरी जान लगा के दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट क्यों ना बना लो, लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताओगे ही नहीं और बस उसे अपने घर में छुपा के रखोगे, तो कोई चांस नहीं है कि आप या दूसरे आपके उस ऑसम प्रोडक्ट का कोई फायदा उठा पाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बताओ, या इन अदर वर्ड्स उसकी मार्केटिंग करो। मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। इसलिए अगर आप देखोगे 2016-2017 में करी गई एक स्टडी के हिसाब से ऑन एवरेज कंपनीज अपने रेवेन्यू का 12% पैसा बस मार्केटिंग में खर्च करती है। बड़ी कंपनीज और ज्यादा खर्च करती है जबकि छोटी कंपनीज थोड़ा कम। एक रिपोर्ट के हिसाब से इसी साल 2018 में अराउंड $630 बिलियन खर्च होंगे बस मार्केटिंग करने में वर्ल्ड वाइड। और मार्केटिंग बस बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि हर जगह बहुत जरूरी है। एग्जांपल, एक आदमी को जब दूसरों की तरह जॉब नहीं मिल रही थी तो उसने क्या किया कि एक बड़ा सा बिलबोर्ड बनवाया अपने फेस के साथ जिस पे लिखा हुआ था हायर मी। नॉइस का रिजल्ट ये निकला कि जहां एक तरफ नॉर्मल लोगों को कोई एक जॉब भी नहीं मिल पा रहा था, वहीं उसे ऐसे यूनिक मार्केटिंग करने की वजह से कई बड़ी कंपनी से अप्रोच किया, जॉब ऑफर्स दिए, जिसमें से उसने अपनी पसंद का एक जॉब सिलेक्ट किया और एम्प्लॉयड हो गया। इसलिए मेरे हिसाब से आज की इस कॉम्पिटेटिव दुनिया में हर इंसान के लिए मार्केटिंग के बारे में समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये फैक्ट है कि जो इंसान अच्छे से मार्केटिंग करना चाहता है वो पक्का अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी हो सकता है। अब मार्केटिंग जरूरी है ये तो आप समझते ही होंगे, बट मार्केटिंग कैसे करना चाहिए ये सबसे मेन क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो अगेन, मैं कितनी भी एनर्जी, कितने भी पैसे या पैशन के साथ एक बहुत ऑसम प्लेन बनाऊं, लेकिन अगर वो बनाते टाइम मैं फिजिक्स के लॉज को ही ध्यान में नहीं रखूं तो मैं कितना भी चाहूं वो प्लेन नहीं उड़ेगी। सिमिलरली आप कितने भी ज्यादा पैसे खर्च करो, अगर आप मार्केटिंग के लॉज को नहीं समझोगे तो आपकी मार्केटिंग अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। ऑथर अलरेस एंड जैकट्राउट ने 25 साल स्टडी करके ऐसे 22 लॉस फाइंड आउट किए हैं जिन्हें कई कंपनीज ने फॉलो करके अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनाया है, जबकि जिन्होंने इन लॉस को इग्नोर किया वो कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर लुटा चुकी है और लुटा रही है बिना रिजल्ट्स मिले। इसलिए आज मैं आपको उन्हीं 22 लॉस में से टॉप 10 लॉस आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप बेस्ट तरीके से मार्केटिंग करके बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लॉ ऑफ लीडर। ये लॉ बोलता है कि दूसरों से बेटर बनके कंपीट करने से बेटर है कि आप मार्केटिंग लीडर बनो। जस्ट फॉर एग्जांपल समझो, एक बार आप गाड़ी से कहीं गांव साइड पे जा रहे हो, आपको रास्ते में बहुत से नॉर्मल कैटल्स दिखते हैं, गाय भैंस, जो आपको बहुत बार दिख नहीं रहती है, सो तब आप उन्हें देखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। बट अगर अब अचानक आपको रास्ते पे एक पर्पल कलर की भैंस दिखती है तो क्या होगा, आप उसे शौक से देखोगे, वो आपका पूरा अटेंशन ग्रैब कर लेगी और अगर पॉसिबल होगा तो आप शायद गाड़ी से रुक के उसे और देखोगे। सिमिलरली अगर आपको अपने बिजनेस को हिट कराना है तो आप कुछ अलग करो, सेम दूसरों की तरह प्रोडक्ट बना के उनकी तरह ही हमेशा मार्केटिंग करने से आपको वो अटेंशन नहीं मिलेगा जितना अगर आप कुछ नया और डिफरेंट क्रिएट करके अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं मून पे पहला कदम रखने वाला कौन सा इंसान था तो आप श्योरली बोलोगे नील आर्मस्ट्रांग। और फिर अगर मैं पूछूं दूसरा कदम किसने रखा था तो शायद आप बोलोगे उसी ने रखा होगा, वो थोड़ी ना एक पैसे लग रहा था। वेल, जोक्स असाइड, बट सच में सेकंड लोगों का नाम इतना पॉपुलर नहीं होता कंपेयर टू फर्स्ट। इसलिए आप मार्केट के लीडर बनो, कुछ नया करो, नए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाओ जैसे पहले कभी नहीं बने। ये आपको बहुत एडवांटेज देंगे मार्केटिंग करने में और जल्दी आगे बढ़ने में। एग्जांपल, कोका-कोला पहली कंपनी थी जिसने ऐसे डिफरेंट टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स बनाए थे। वैसे ही कई चीज में जैसे कि आईपॉड, आईफोन, मैक और दूसरे प्रोडक्ट के कई न्यू फीचर्स एप्पल ने सबसे पहले लाए थे मार्केट में जो फिर दूसरों ने कॉपी किए। इसलिए ये कंपनी मार्केट की लीडर्स बनी और बहुत सक्सेसफुल भी। नंबर 2, लॉ ऑफ कैटेगरी। आपको शायद मून पे कदम रखने वाले सेकंड आदमी का नाम नहीं पता होगा, बट काफी चांस है अगर आप इंडियन हो तो आपने कल्पना चावला का नाम जरूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की औरत थी जो स्पेस में गई। नाउ लॉ ऑफ कैटेगरी हमें बोलता है कि हाँ, बहुत बार आप शायद मार्केट की लीडर ना बन सको क्योंकि किसी और ने पहले ही वो कर दिया होगा जो आप करना चाहते हो, बट स्टिल आप तब भी कोई एक डिफरेंट कैटेगरी में लीडर बन सकते हो। जैसे कल्पना इंडियन ओरिजिन की थी जो एक अलग कैटेगरी थी, इसलिए वो भी फेमस हुई। सिमिलरली आप देखोगे कई बड़ी कंपनीज बड़ी बनी इसलिए नहीं क्योंकि वो लीडर्स थे, बट इसीलिए क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी में लीडर बने। जैसे कि नाइकी स्पोर्ट्स शूज कैटेगरी में लीडर बनी। हाँ, IBM फर्स्ट कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी थी, बट डेल वो पहली कंपनी बनी जिसने फोन का यूज करके कंप्यूटर्स बेचना स्टार्ट किया और इसीलिए फिर वो $900 मिलियन की कंपनी बनी। सिमिलरली आप भी कोई एक न्यू कैटेगरी के लीडर बनो अगर आप पूरे मार्केट के लीडर नहीं बन सकते हो तो। नंबर 3, लॉ ऑफ माइंड। ये लोग बोलता है कि कई बार ये भी जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में सबसे पहले हो, बट ये बहुत जरूरी है कि आपका नाम लोगों के दिमाग में सबसे पहले आए। एग्जांपल, गूगल सबसे पहला सर्च इंजन नहीं था, बट आज वो सबसे इतना आगे है बिकॉज आज जब भी किसी को इंटरनेट पर कुछ सर्च करना होता है तो फौरन उनके दिमाग में सबसे पहले गूगल का नाम आता है। ऐसे ही जब भी बहुत से लोगों को भूख लगती है और उन्हें घर पे कुछ जल्दी खाना होता है तो उनके दिमाग में मैगी आती है, बिकॉज मैगी ने ऐसा मार्केटिंग किया है कि वो 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं इजीली, जो जल्दी भूख खत्म कर सकते हैं वो भी टेस्ट के साथ। अब भले से इनमें से कोई भी बात सच ना हो, फिर भी ऐसे प्रोडक्ट दिमाग में आने की वजह से बहुत से लोग उसे खरीदते हैं। सिमिलरली आप भी मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों के दिमाग में बैठाओ। नंबर 4, लॉ ऑफ परसेप्शन। ये लॉ बोलता है कि मार्केटिंग प्रोडक्ट या सर्विस की बैटल नहीं होती, बल्कि ये आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक परसेप्शन बनाने की बैटल होती है। एग्जांपल, एप्पल अभी रिसेंटली कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है जो दूसरे कॉम्पिटिटर से परफॉर्मेंस में बेटर नहीं होते, फिर भी लोग उसे खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल को लेकर लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ, एप्पल सबसे हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट है और वो बेस्ट है। अब गलत मत समझो, ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाते, इनफैक्ट एप्पल वन ऑफ द बेस्ट न्यू क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में हमेशा आगे रहा है। बट कहीं ना कहीं स्टीव जॉब्स और वॉजनियाक की वजह से अभी तक एप्पल को लेकर इतना हाई लग्जरी परसेप्शन बना है लोगों का कि वो एप्पल के अलावा और कोई प्रोडक्ट खरीदने का सोचते भी नहीं, भले से उससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में तो भी। और ऐसे ही आपको भी अपने प्रोडक्ट को लेकर ऑसम परसेप्शन बनाना है लोगों के दिमाग में। नंबर 5, लॉ ऑफ फोकस। अगर मैं बोलूँ 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, तो आपके दिमाग में कौन सी कंपनी आएगी? डोमिनोज, राइट? बिकॉज उन्होंने अपनी मार्केटिंग करके ये बात लोगों के दिमाग में बैठा दी थी कि जल्दी पिज्जा घर पे चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो। ऐसे ही कई कंपनीज बस कुछ स्पेसिफिक चीज पे फोकस करती है ताकि उस
वर्ड उस लाइन या उस काम के लिए लोगों के दिमाग में बस उनका प्रोडक्ट किया है। जैसे 90s के लोगों को अगर मैं बोलूँ ठंडा मतलब, तो उनके दिमाग में फौरन आएगा कोका कोला, बिकॉज उन्होंने तब अपनी मार्केटिंग में इसी वर्ड पे फोकस करके हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि अगर ठंडा कुछ पीना है तो कोका कोला पियो। ऐसे ही आप भी कोई वर्ड लाइन या इमोशन का यूज करके उसमें फोकस करके लोगों के दिमाग में अपना ब्रांड बैठाओ। नंबर 6, लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी। ये लॉ बोलता है कि कोई भी कंपनी को एक ही वर्ड या एक ही लाइन जो दूसरी कंपनी यूज कर रही है उसे ही सेम यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम्पल, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, ये कॉन्सेप्ट डोमिनोज के यूज करने के बाद बहुत से लोगों ने सेम चीज करने का ट्राई किया बट उन्हें इतनी ग्रेट सक्सेस नहीं मिली, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ये लाइन यूज करके लोगों के दिमाग में अपने ब्रांड के बजाय डोमिनोज का नाम याद दिला रहे थे। नंबर 7, लॉ ऑफ लैडर। आपको ये याद रखना है कि आप मार्केट के लैडर में कौन से पोजीशन पे हो और फिर उसके हिसाब से आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। एग्जाम्पल, हर्ट्ज एक अमेरिकन कार रेंटल कंपनी थी जो नंबर 1 स्पॉट पे थी और तभी सेकंड नंबर पे आती थी एविस कंपनी। अब लैडर में अपने सेकंड पोजीशन को समझते हुए एविस ने क्या मार्केट कैंपेन चलाया कि हम नंबर 2 है इसलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा ट्राई करते हैं इसलिए आप हमें चुने। और फिर सच में ऐसा मार्केटिंग करने से उन्हें काफी सक्सेस मिली, उनका ये कैंपेन हिट हुआ और उन्होंने फिर बहुत पैसे कमाए। ऐसे ही आप अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करो। नंबर 8, लॉ ऑफ ड्युअलिटी। आप कोई भी मार्केट में जाओ, कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अकेले उस मार्केट में हमेशा रहोगे, नहीं, बल्कि आपके लेवल का कोई ना कोई जरूर आएगा आपको टक्कर देने। वहीं दूसरी तरफ पहले से ही शायद बहुत से लोग उस मार्केट लैडर में जिसमें आप जा रहे हो, लेकिन बात यह है कि एट द एंड ये दो लोगों के बीच की ही रेस होती है। एग्जाम्पल, कोको कोला वर्सेस पेप्सी, मार्वल वर्सेस डीसी, मैकडॉनल्ड वर्सेस बर्गर किंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अच्छी बात यह है कि आप इस कॉम्पिटिशन का यूज करके लोगों को अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बना सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है, लोगों को साइड लेना पसंद होता है, सो आप अपने बिलीव्स और फीचर्स जो अगर सामने वाले कॉम्पिटिटर से अलग होंगे तो बेस्ट है उसे आप हक से मार्केट करो। इससे जो लोग आपके बिलीव्स में बिलीव करते होंगे वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन जाएंगे। नंबर 9, लॉ ऑफ अपोजिट। कई कंपनीज मार्केटिंग करते टाइम ये गलती करती है कि वो मार्केट लीडर से ही उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ कंपीट करने लगती है। अगेन एग्जांपल डोमिनोज का ही दो, तो जब डोमिनोज 30 मिनट्स नहीं तो फ्री वाले स्ट्रेंथ पे मार्केटिंग कर रही थी तब बहुत से लोगों ने भी सेम चीज लिख के मार्केटिंग की, बट तब ऑथर बोलते हैं बेटर होता अगर वो ऐसे मार्केटिंग करते कि हम थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं बट बेस्ट टेस्ट के पिज्जा देते हैं। ऐसे ही लॉ ऑफ अपोजिट बोलता है कि जैसे रेसलिंग में सामने वाले की फोर्स का यूज करके आप उसे गिराते हो, वैसे ही आप मार्केटिंग लीडर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को उनका वीकनेस बना के कुछ अपोजिट चीज में स्ट्रॉन्ग बनके अपने आप को मार्केट करो। नंबर 10, लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये बड़ी कंपनी इतने पैसे खर्च करके ऐसे एड्स क्यों दिखाती है जिससे उनका कुछ फायदा ही नहीं होता। एग्जाम्पल, जब किसी प्रोग्राम के बीच में अगर समझो कोको कोला का एड आता तो मेरे हिसाब से ऐसा तो होता नहीं था कि वो बंदा टीवी बंद करके दुकान पे जाता था और फिर कोको कोला पीता था, नहीं। बट फिर जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ तो मुझे समझ आया कि ऐसे एड्स लॉन्ग रन में उन्हें फायदा देते हैं। लाइक जब भी इंसान कभी प्यासा होगा, बाहर होगा, तो दुकान पे जाकर उसके दिमाग में पहले कोको कोला का नाम आएगा और वो उसे खरीदेगा कभी ना कभी, और प्लस ऐसे एड्स करने से ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब एड्स मुझे समझ आए कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं, जो कि ईबुक भी बता रही है। वैसे ही ऑथर बोलते हैं कि कुछ एड्स शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल, कई कंपनी साल में एक टाइम सेल स्टार्ट करती है, डिस्काउंट देती है अपने प्रोडक्ट्स पे 50%, नो इससे वो शॉर्ट टर्म में तो काफी पैसे कमा लेते हैं, बट फिर लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि कई कस्टमर्स नॉर्मल रेट में कभी उनके प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं और बस हमेशा सेल का वेट करते हैं। अब ये दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एड्स का इफेक्ट कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही रहता है। अगर आप जल्दी रिजल्ट के लिए मार्केटिंग करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में इतना फायदा नहीं देंगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केटिंग करोगे तो शॉर्ट टर्म में शायद आपको इतना फायदा ना दिखे बट लॉन्ग रन में वो आपको काफी फायदा देगा स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स बनाते हुए। ये थे बस 10 लॉज, द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग बाय एल्बर्ट।